यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ये कहानी शायद आपने बचपन में भी सीखा होगा, आपके नानी नानी ने या दादी ने आपको ये कहानी सुनाया होगा, है ना। तो वही कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी में कौन कौन है, कबूतर है, फिर चूहा है और एक शिकारी है। तो चलो कहानी की ओर। किसी जंगल में पीपल का एक विशाल पेड़ था। क्या है, किसी जंगल में एक विशाल पेड़ था। कौन सा पेड़ था, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ मतलब बैनियन ट्री। तो किसी जंगल में पीपल का एक विशाल पेड़ था, विशाल मतलब बड़ा पेड़। उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। तो क्या है, उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे, बहुत सारे कबूतर उस पीपल के पेड़ में रहते थे। एक दिन की बात है, सभी कबूतर भोजन की खोज में निकले। तो क्या हुआ, एक दिन वो कबूतर सब भोजन की खोज, इन सर्च ऑफ फूड। तो भोजन की खोज में वो सब कबूतर एक साथ निकले। उड़ते उड़ते उन्होंने जमीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे। तो क्या हुआ, जब वे उड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर बहुत से गेहूं के दाने। क्या है गेहूं, गेहूं का मतलब है बीज। तो क्या है, बहुत से बीज हमारी जमीन पर फैलाया गया था, पड़ा हुआ था। तो वे सब क्या है, उड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जमीन पर बहुत से क्या है, गेहूं फैलाया गया था, वहां पे गेहूं पड़े हुए थे। दाने देखते ही कई कबूतर एक साथ बोले, वाह एक साथ इतने दाने, चलो खाएं। तो क्या है, जब वो उड़ रहे थे तो उन्होंने देखा, क्या देखा, बहुत सारे गेहूं वहां पे जमीन पर थे। तो वे सब जब उड़ रहे थे तो उन्होंने पूछा, वाह इतने सारे गेहूं एक साथ, उन्होंने पूछा। लेकिन उनके साथ ही उड़ रहा एक बूढ़ा कबूतर बोला, जरा सोचो इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आ सकते हैं। तो जब ये लोग सब उड़ के, तब उन्होंने गेहूं देखा तो वे बहुत खुश हुए, और खुश होते हुए देखिए अब कबूतर उड़ रहे हैं, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, गेहूं देखा। तो वो देखकर वो सब खुश हुए और उन्होंने बोला, अरे वाह इतने सारे गेहूं। तो उसमें से एक बूढ़ा कबूतर बोला, क्या बोला बूढ़ा कबूतर ने, जरा सोचो इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए, इतना बड़ा घना जंगल है, वहां से इतना सारा गेहूं कहाँ से आया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे गेहूं है, ठीक है, ये कबूतर उड़कर गेहूं खाने के लिए आ रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उस बूढ़े कबूतर ने बोला कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वहां पे इतने बड़ा जंगल में कैसे इतने सारे गेहूं आ सकता है। बहुत समझाने के बाद भी नौजवान कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो बहुत बूढ़े कबूतर ने उन्हें बहुत समझाया कि मत जाओ वहां पर, कोई चालाकी कर रहा है, इसलिए वहां पे मत जाओ, बहुत कुछ तो है। तो मगर उतना भी समझाने पर भी वे कबूतर क्या, उन्होंने नहीं समझा और वे सब जाके गेहूं खाने के लिए वहां पे उतर गए। नीचे उतर कर दाने चुगने लगे, वो सब कबूतर एक साथ नीचे उतर कर दाना खाने लगे, ठीक है, चुगने लगे। कबूतरों की नासमझी में दुखी होकर बूढ़ा कबूतर पास के पेड़ पर जाकर बैठ गया। तब बूढ़े कबूतर ने बहुत बार उन्हें समझाया, फिर भी उन कबूतरों ने नहीं माना और वे सब दाना चुगने के लिए चले गए। मगर वो बूढ़ा कबूतर क्या हुआ, उदास होकर पास वाले एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब सभी कबूतरों ने भरपेट भोजन कर लिया तब वे उड़ने की कोशिश करने लगे। तो वो सारे कबूतरों ने बड़े मजे से अपने पूरा पेट, भरपेट मीन्स पूरा पेट फुल करके, वे जब खुश होकर जब उड़ना चाह रहे थे तो क्या हुआ, वे उड़ने पर तब उन्होंने उड़ने की कोशिश करने लगे पर नहीं उड़ पाए। मगर उन्होंने क्या किया, बहुत से उखा कर जब उड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, वे उड़ नहीं पाए क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। क्यों नहीं उड़ पाए वे, क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। आप देख सकते हो यहाँ पे जाल बिछाया गया था, देखिए जाल बिछाया गया है और ये सब कबूतर क्या है, खाने के लिए उतर रहे हैं। क्या खाने के लिए उतर रहे हैं, क्या खाने के लिए उतर रहे हैं, हाँ गेहूँ खाने के। देखिए सब कबूतर क्या कर रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं। और जब भरपेट
तो इतने भाग में आपने हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक बूढ़ा कबूतर क्या कह रहा है, उनसे बहुत बार उनसे कहा, क्या कहा, मत मत उतरो वहां पर कुछ गड़बड़ है, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात नहीं मानी और वे कहा वहां पे फंस गए। तो आपको क्या समझना चाहिए कि बड़ों का आदर कीजिए, जो भी बड़े कह रहे हैं उनकी बात मानिए, तो आपको क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप उनकी बातें नहीं मानोगे तो क्या होगा, इसी तरह वहां पर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो अगले भाग में हम इसके बाकी बात देखेंगे।